साथियों, मैं नितेश मिश्रा आपका एडमिशन क्लासेस में हाजिर स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जैसा कि हम सभी ने पिछले वीडियो में केंद्रीय विद्यालय की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, आज इस वीडियो में हम सभी केंद्रीय विद्यालय की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान अर्थात NIS के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको केवी विशेषता बता देता हूँ। सर्वप्रथम इसकी विशेषता है, कक्षा 6 से ही इस विद्यालय में संस्कृति पढ़ाई कराई जाती है। इसकी दूसरी विशेषता है सशिक्षा, अर्थात लड़का और लड़की इस विद्यालय में साथ में शिक्षा प्राप्त करते हैं। KVS में छात्र और शिक्षक अनुपात निर्धारित होता है, अर्थात कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे कि एक शिक्षक उन छात्रों को सही से पढ़ा सके, ये निर्धारित होता है। सामान्यतः यह औसत 35 से 40 के बीच में ही होता है। आगे देखते हैं, सभी जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो CBSE से संबंधित होते हैं। देश के किसी भी भाग में केंद्रीय विद्यालय चाहे कहीं भी हो, सब में एक समान पाठ्यचर्या होती है, जिससे कि अगर किसी भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जाए तो उसके शिक्षण की हानि न हो, उसे व्यवधान न हो कि मैंने वहाँ कुछ दूसरा पढ़ा था, यहाँ कुछ दूसरा पढ़ा जा रहा है। सारे पाठ्यक्रम एक ही होते हैं। अब हम देखते हैं KVS के उद्देश्य। KVS के उद्देश्य, केंद्रीय विद्यालय के सर्वप्रथम उद्देश्यों में है एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास बच्चों में करना। CBSE NCERT के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो जो नए नवाचार आ रहे हैं उनसे बच्चों को अवगत कराना तथा उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, माध्यमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना, ठीक है। इसके बाद इसके आखिरी उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों को बिना व्यवधान के शिक्षा उपलब्ध कराना। अब हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय का शिक्षा में क्या योगदान है। इसका शिक्षा में योगदान, बहुत ही अच्छा योगदान है केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न प्रांतों, धर्म और क्षेत्रों के बच्चे प्रवेश लेते हैं, जिससे इनमें सभी धर्मों के प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है, जिससे सांस्कृतिक नैतिकता की भावना का विकास होता है। केंद्रीय विद्यालय का दूसरा योगदान ये है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात बच्चों को दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है। KVS का शिक्षा में तीसरा योगदान यह है कि यह अन्य विद्यालयों के लिए मानक का कार्य करता है, अर्थात दूसरे विद्यालय इससे सीख लेते हैं कि बच्चों को कैसे हमें पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। अब हम NIS के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या होता है NIOS बोर्ड। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा NIS बोर्ड का, इसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। NIOS, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अर्थात राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान उनके लिए है जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तथा उन लोगों के लिए है जो अपना कार्य करते रहते हुए भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो दुकान खुला हुआ है और वो पढ़ना भी चाहता है, तो उसके लिए NIS बोर्ड का गठन किया गया है। इसका गठन 3 नवंबर 1979 को मुक्त विद्यालय नाम से किया गया। बाद में इसे माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का नाम दिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की परिभाषा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा बाद की संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार NIS को सुदृढ़ किया जाए एवं मुक्त अधिगम की व्यवस्था देश के कोने कोने तक पहुँचाई जाए। NIS में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आते हैं, अर्थात 9, 10, 11, 12, ये 4 कक्षाएं इसमें संचालित होती हैं। वर्तमान में NIS जो है
वो 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी प्रदान कर रहा है। 9, 10, 11, 12 के साथ साथ व्यवसायिक कोर्स प्रदान कर रहा है। इस समय कम से कम 15 लाख विद्यार्थी इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालय संस्थान है। अब हम जानते हैं NIS के गुण और दोषों के बारे में। NIOS के गुण सर्वप्रथम इसके हम गुण का अध्ययन करते हैं। इसका पहला गुण यह है कि यह अत्यंत सच्ची शिक्षा उपलब्ध कराता है। अन्य विद्यालयों की शिक्षा जो है महंगी है, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, तब कोई भी बोर्ड हो, सबकी शिक्षा महंगी है। इसकी शिक्षा अत्यधिक सस्ती है सभी बोर्डों से। दूसरी विशेषता है इसकी कि यह कार्यरत व्यक्तियों एवं छात्रों हेतु उपयोगी है। जो छात्र सोचते हैं कि मैं कोई और पढ़ाई कर रहा हूँ उसके साथ मैं ये पढ़ लूँ, या कोई व्यक्ति सोचता मैं ये काम कर रहा हूँ उसके साथ ये कार्य कर लूँ, तो उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता है कि यह शिक्षण सामग्री जो है संस्था छात्रों को उपलब्ध कराती है। बालकों को नहीं खोजना पड़ता है कि ये किताब कहाँ मिलेगी, किस राइटर की पढ़ें, उनको किताब हमेशा संस्था उपलब्ध कराती है, NIS बोर्ड उपलब्ध कराता है। इसकी चौथी विशेषता है केंद्र, जो परीक्षा केंद्र की जो सुविधा है यहाँ पर प्राप्त होती है। अर्थात यदि बालक का परीक्षा केंद्र कहीं दूर है तो वह अपना परीक्षा केंद्र कहीं नज़दीक मंगा सकता है, या परीक्षा केंद्र में अगर बदलाव न हो तो जहाँ नामांकन केंद्र होता है, जहाँ वो एडमिशन लेता है, उसमें सुविधा अनुसार परिवर्तन कर सकता है। इसकी अगली विशेषता हम देखते हैं कि यह उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो विकलांग हैं, जो विद्यालय आ जा नहीं सकते हैं। इसकी सबसे आखिरी विशेषता है इसमें छात्रों की समय की बचत होती है। जो कोर्स अन्य विद्यालय बहुत ज़्यादा समय में पूरा कराते हैं उसे यह बहुत ही कम समय पूरा कराता है। तथा छात्र कोई और भी डिग्री कोर्स करते हुए डिप्लोमा कोर्स इसके साथ कर सकता है। अब हम NIS के दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। NIS के दोष, सर्वप्रथम इसका पहला दोष ये है कि परंपरागत विद्यालय शिक्षा की तुलना में गुणवत्ता का अभाव, इसमें गुणवत्ता का अभाव होता है। जो हम अपने औपचारिक वातावरण विद्यालय में सीख सकते हैं वे हम इस अनौपचारिक में नहीं ग्रहण कर पाते हैं, वह ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता है। इसकी दूसरी कमी यह है कि शिक्षक रहित अध्यापक होने से ज्ञान में पूर्णता नहीं मिल पाती है। हमें स्वयं अध्ययन करना होता है। हम जितना भी समझ सकते हैं किताब हमारे पास होती है, हम उसी जितना अध्ययन करना चाहें उतना ही अध्ययन कर सकते हैं, हमें कोई समझाने के लिए नहीं होता है। इसकी तीसरी कमी यह है कि विद्यालय माहौल न होने कारण यहाँ पर जो शिक्षा का वातावरण बनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं बन पाता है, क्योंकि न यहाँ पर शिक्षक होते हैं, न विद्यालय होता है, न पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं। इसलिए यहाँ पर विद्यालयी वातावरण जो शिक्षा का बनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं बन पाता है। आगे देखते हैं कि शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मध्य संबंध यहाँ पर नहीं स्थापित हो पाते हैं। अर्थात जब शिक्षक और छात्र दूर होते हैं तो जो शिक्षक और छात्र का संबंध होता है वो यहाँ पर विकसित नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं सबसे इसकी जो प्रमुख कमी है, पाँचवीं कमी यही है कि न यहाँ पे शिक्षक होते हैं, न यहाँ विद्यालय होता है। छात्र निडर होकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता है परीक्षा का, वे अपने मनमानी करते हैं शिक्षा को ग्रहण करने में। इसलिए यह जो NIS है इसकी सबसे प्रमुख कमी यही है कि यहाँ पे छात्र लापरवाही पूर्वक अध्ययन करते हैं जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि NIOS का शिक्षा में क्या योगदान है। NIOS का शिक्षा में योगदान, NIOS जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का भागीदार बनकर शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं उसके स्तर को ऊपर उठाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उसके बाद वंचित वर्ग एवं महिलाएं तथा जो पिछड़े
जाति जनजाति के बच्चे थे उन्होंने भी इस बोर्ड से जुड़कर शिक्षा को प्राप्त किया तथा अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद इसका सबसे जरूरी योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में कि यह बहुत सारे, मैंने पहले बताया था कि 9, 10, 11, 12 को छोड़ के भी व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाता है, जिससे बालक के चरित्र का तथा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।